ये है ग्रीन बीन्स, ये आप देख सकते हैं। ग्रीन बीन्स जो है हमें दोनों तरफ से, दोनों एंड से काट कर इसे बारीक बारीक काटना है, जैसे कि मैंने काटा है। बारीक काटने से ये होगा कि हमारी जो ये सब्जी है वो बहुत ही अच्छी क्रिस्पी बनेगी। यहाँ पर मैंने दो मीडियम साइज के आलू ले लिए हैं, एक बड़ा प्याज ले लिया है, एक हरी मिर्च ली है। आप अगर तीखा पसंद करते हैं तो क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर मैंने 3 से 4 लहसुन की कलियाँ ली हैं, और लहसुन हम ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि लहसुन डालने से वैसे टेस्ट तो अच्छा आता है बट वो सब्जी के असली टेस्ट को वो ओवरपावर करेगा, इसलिए हम लहसुन कम डालेंगे। हींग भी मैंने यहाँ ले लिया है। यहाँ पर एक बड़ा मैंने टमाटर ले लिया है, पका हुआ टमाटर जिसे बारीक काट लिया है। थोड़ा सा हरा धनिया गार्निशिंग के लिए। मसालों की तरफ चलेंगे तो हमें आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर लगे, और ये आधा छोटा चम्मच जीरा लगे, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और एक चम्मच हम डालेंगे धनिया पाउडर। आधा छोटा चम्मच से भी थोड़ा सा कम हम सब्जी मसाला डालेंगे, और ये टोटली ऑप्शनल है दोस्तों। अगर आपके पास गरम मसाला है तो आप आधा चम्मच गरम मसाला भी डाल सकते हैं। नमक स्वाद अनुसार। कुकिंग के लिए मैंने लिया है राई का तेल। चलिए हम चलते हैं कुकिंग की तरफ। कढ़ाई गरम हो चुका है, अब इसमें करीबन हम 1 से 2 टेबलस्पून तेल डाल देंगे। अब हम इसमें आधा छोटा चम्मच, ये मसाले का चम्मच है, इसमें हम जीरा डाल देंगे, और आप इसमें अजवाइन भी डाल सकते हैं, अजवाइन डालने से भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। हम इसमें थोड़ा सा हींग डाल देंगे। जीरा हो चुका है, अब करीबन 1 चुटकी के आसपास हम हींग डाल देंगे। जस्ट 10 सेकेंड रुकना है। लहसुन फ्लेम मीडियम है इसलिए लहसुन 1 मिनट में हो चुका है। अब हम इसमें धीरे से मिर्ची डाल देंगे, और तुरंत हम इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज हमें ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, ट्रांसलूसेंट हो जाए तब तक हम इसे भून लेंगे। प्याज जो है बाकी सब्जियों के साथ भी पकेगा। अब हम इसमें आलू डाल देंगे। आलू थोड़ा जल्दी पक जाए इसलिए मैं थोड़ा सा नमक डालूंगी यहाँ पर। नमक डालने से कुकिंग प्रोसेस जल्दी होता है। यहाँ पर इसे मैं ढक कर रख देती हूँ। 1 मिनट हो चुका है, अब चेक कर लेते हैं। अब हम इसमें हमारे ड्राई मसाले डालेंगे। आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच से भी कम सब्जी मसाला। और ये देखिए इतने मसाले पड़ चुके हैं, इसमें और ज़्यादा मसाला भी नहीं पड़ेगा। अब हम इसे चला लेंगे। इसमें ग्रीन बीन्स डाल देंगे। मीडियम फ्लेम पर मैं इसे ओपन रखूंगी, और जहाँ पर मुझे लगेगा मैं इन बिटवीन से चलाती रहूँगी। ऐसा हमें 1 से 2 मिनट ओपन रखना है ताकि हमारी सब्ज़ी जो है वो क्रिस्पी बने। और ये सब्ज़ी हम कौन से वेसल में बना रहे हैं उसके पर भी है। अगर आप नॉनस्टिक पैन में बनाएंगे तो फिर हमारे जो सब्ज़ी या मसाले कभी जलेंगे नहीं, लेकिन अगर हम नॉनस्टिक के अलावा किसी दूसरे बर्तन में बना रहे होंगे तो अगर सब्ज़ी नीचे लगने लगती है तो थोड़ा सा पानी आप ऐसे हाथ में लेकर ऐसा आप 2 से 3 छींटे ऐसे डाल सकते हैं, तो सब्ज़ी जो है नीचे जलेगी नहीं। तो ये मैंने आपको जस्ट एक एक्सप्लेनेशन के लिए बताया था। फ्लेम जो है लो टू मीडियम के बीच में है। ये टमाटर डाल दिया है, और टमाटर गलने तक हमें इसे सब्जी को भूनना होगा। शुरू में हमने थोड़ा सा नमक डाल दिया था, अब हम स्वाद अनुसार नमक और डाल देंगे। नमक डालने के बाद मिक्सर पर अब हम इसे ढक कर रख देंगे। ढकने से ये होगा कि टमाटर जो है जल्दी गल जाएंगे। हरा धनिया डाल देंगे। ये 1 मिनट में और पक चुका है, अब मैं गैस का फ्लेम करती हूँ बंद। और ये देखिए दोस्तों कितनी अच्छी सब्ज़ी रेडी है। हाय, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के 11 बज रहे हैं, बाकी सब बच्चे पेपर देने गए हैं, और सेकेंडरी की बच्ची है तो उसका कल लास्ट पेपर है, तो अभी मैं बस उसको जा रही हूँ पढ़ाने के लिए। टॉक टू यू सम टाइम। हे फ्रेंड्स, आई एम बैक, और मैं काफ़ी देर के बाद व्लॉगिंग कर रही हूँ। इट्स अराउंड 4:40 टाइम, आई वाज जस्ट रिलैक्सिंग, और आपने देखा होगा कि अभी कैसे रिलैक्स मूड का है। मैंने सभी बच्चों को छुट्टी दी एक्सेप्ट 1 स्टूडेंट, ही हैज़ 1 लास्ट पेपर टुमारो। सो टुमारो
एवरीबडी, अगेन टुमारो विल बी हॉलीडे फॉर एवरी स्टूडेंट, सो लेट देम रिलैक्स. बच्चों ने भी काफ़ी मेहनत की है, मैंने भी काफ़ी भाग दौड़ किया है. एंड बाय द टाइम आई यूज्ड टू रीच एट होम, इट यूज्ड टू बी 9:30. हैड अ गुड सपोर्ट फ्रॉम फैमिली एट दैट टाइम. सो मोर देन वन वीक जो था वो थोड़ा सा टफ टाइम था और अच्छा गया. और बच्चों के पेपर्स अच्छे गए, उसमें हमें और क्या चाहिए. सो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट रिजल्ट. इतना मेहनत किया है सब ने तो रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे. सो वेलकम टू नो. कुकिंग करते वक्त बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ता है, वीडियो के प्रॉपर एंगल एंड ऑल. ब्लॉगिंग के वक्त में या दैट ऑल्सो इज़ रिक्वायर्ड, बट ऐसा होता है कि जैसे हम बैठे हुए हैं तो हमारा कोई काम रुका हुआ नहीं है, बट वाइल डूइंग कुकिंग एंड ऑल सो आपका कॉन्सेंट्रेशन वीडियो पे भी तो रहता है. हाउ इज़ योर वीडियो रिकॉर्डिंग गोइंग ऑन, प्लस आपका उसका जो कुकिंग चल रहा है, जो कुकिंग करते वक्त आप करते हो तो दैट डिलेज, आई मीन द पार्ट ऑफ द कुकिंग. और सुबह सुबह ऑलरेडी बहुत जल्दी होती है, तो मैंने आज ट्राई किया है कुकिंग का जो वीडियो डालने के लिए. और अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर बताइए, मैं और भी बहुत सारे कुकिंग वीडियो शेयर करूँगी. वीडियो जो है वो मैं अभी इसमें ट्रांसफ़र कर रही हूँ, दैट आई एम गोइंग टू अपलोड एंड पब्लिश टुडे. तो वो वाला मैं कॉपी कर रही हूँ लैपटॉप में, तो वही मेरा चल रहा है साइड बाई साइड. और क्योंकि मुझे अभी टाइम मिला तो इसके लिए मैं वो भी कर रही हूँ. अभी टाइम तो मैं ऑलरेडी बता चुकी थी, सो 5 मिनट और हो चुका है. 4:45, इट्स 4:45 नाउ. सो इट्स गुड. आज का इवनिंग बहुत ही रिलैक्सिंग है इन टर्म्स ऑफ वेदर ऑल्सो. एवरीवेयर यू नो, राइट फ्रॉम द माइंड, फ्रॉम द बॉडी, इनर, इवन द वेदर इज सपोर्टिंग, सच अ ग्रेट वेदर. आहन अभी हिंदी प्रैक्टिस कर रहा है राइटिंग का, मीन्स इज डूइंग कॉपी राइटिंग. और हमें हमारे बच्चों को डेली राइटिंग प्रैक्टिस करना चाहिए, चाहे वो हिंदी हो या फिर वो इंग्लिश हो. राइटिंग प्रैक्टिस तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम हिंदी, हमें सब शब्द याद होने लग जाते हैं. और सेकेंडली हमारी हैंडराइटिंग इम्प्रूव होती है. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ कि हमें उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में हमें फास्ट राइटिंग की आदत हो जाती है. तो आहन जो है वो इंग्लिश में भी ऐसी ही राइटिंग करता है. हेलो,